नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। यूपी में जल्द ही विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो योगी सरकार एक बार फिर से नेम प्लेट के मामले पर खेलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। वहीं नेम प्लेट विवाद और एनकाउंटर को लेकर हो रही सियासत पर भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी यूपी उपचुनाव को मजबूती से लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। विपक्ष जो नेम प्लेट पर विवाद कर रहा है वो पुराना कानून है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता को सुरक्षा देना सरकार का काम है। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट में लोग अपनी पहचान सार्वजनिक करें, इसकी व्यवस्था भी है। सरकार पुराने कानून को लागू कर रही है, ये कोई नया नहीं है। खाने पीने में मिलावट ना हो सके, शुद्ध खाद्य वस्तुएं मिल सके, इसलिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा एनकाउंटर पर उठाए जा रहे सवाल पर कहा कि ये अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में अपराधी सरकार चलाते थे और अपराधी ही पोस्टिंग करते थे। तब माफिया राज पूरे प्रदेश में था, पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। योगी राज में प्रदेश में बेहतर कानून का राज कायम हुआ है। प्रदेश में 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कानून का राज आया है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ सरकार कठोर है। जो भी अनैतिक काम में संलिप्त पाया जाता है सरकार कार्रवाई करेगी। भूपेंद्र चौधरी ने तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट पर कहा कि देश के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। तिरुपति बालाजी महाराज के मंदिर में प्रसाद में मिलावट का विषय आया है, सरकार जांच कर रही है। देश के करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है। जो भी दोषी होगा सरकार उस पर कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। हमारी सरकार सजग है। सांसद डिंपल यादव के मथुरा में खोए में मिलावट के आरोपों पर कहा कि सरकार उसका भी संज्ञान लेगी। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा और ये कहते हुए नजर आए कि वो देश को लज्जित करने और देश की छवि को बिगाड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस का एजेंडा समाज को विभाजित करने का है। भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर राहुल पिछड़ों के बारे में, सिखों के बारे में, अलग अलग जातियों के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं। वो अपनी समाज को लेकर मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज समाज मोदी के साथ है। हम सबका साथ सबका विकास पर काम कर रहे हैं। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि जनता ने तीसरी बार मोदी को चुना है। लोक जनशक्ति पार्टी की यूपी में एंट्री पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि वो बिहार में हमारे गठबंधन के साथी हैं। हमने लोकसभा में लड़ने की सीट दी थी, हमारे साथ जुड़कर आए हैं। अन्य राज्यों में गठबंधन नहीं है। अगर अन्य राज्य में भी अलायंस का हिस्सा बनाना है उन्हें, तो केंद्रीय नेतृत्व से बात करनी होगी। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले एनकाउंटर और तमाम मामलों को लेकर जिस तरह योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जमकर हमलावर है, तो अब देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा के उपचुनाव में क्या वाकई मोदी सरकार को या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आता है, या फिर समाजवादी पार्टी जिस तरह से तमाम दमखम भरती हुई नजर आ रही है, तो क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की जीत को उपचुनावों में भी दोहराती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।